को पता है मैंने Xiaomi का Redmi TV लिया है 32 इंच का, उसके लिए मुझे वॉल माउंट की ज़रूरत है दीवार पे वॉल माउंट करने के लिए। तो मैंने उसके लिए Xiaomi का ये बड़ा सा बॉक्स मंगाया है जिसके अंदर Xiaomi का वॉल माउंट आया है जो कि है स्वेपेबल, 599 रुपीज़ का ओनली मिलता है। और कैसी इसकी क्वालिटी है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप टीवी को इंस्टॉलेशन कराते हैं तो कौन सा वॉल माउंट आपको लेना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फटाफट से समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट जरूर करें, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपकी वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ कोई भी सजेशन है आप अपने छोटे भाई को दिल खोल कर नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। कोई भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हो। बिना समय वेस्ट किए फटाफट से मैं करता हूं अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसके अंदर मैं सब कुछ बताता हूं कि इस बॉक्स कोई पैकिंग से लेकर कौन सा लेना चाहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं ये बॉक्स है, बॉक्स यहाँ पे दिखा दिया जाए तो देखो दोस्तों ये है मेरा Mi.com से आया हुआ पार्सल जो कि ईकॉम एक्सप्रेस ने इसकी 12 बजा के रख दी है। बंदा कुछ इस प्रकार से लेके आया था और देखो अभी यहाँ पे साइड में बहुत भयंकर तरीके से ये डैमेज भी कर रखा है। चाहूँ तो मैं Xiaomi को ये रिटर्न कर सकता हूँ बट मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और वैसे भी इसके अंदर वॉल माउंट है तो टूटने गिरने की तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। बट फिर भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में वो मुझे दे गए हैं ये बॉक्स। और जब मैंने उनको बोला कि भाई ये बॉक्स ऐसा क्यों दे रहे, तो ईकॉम के डिलीवरी बॉय का ये बोलना था कि भाई क्या करें हमारे पास इतना ही सामान है, आपको लेना हो तो ले लो नहीं तो रिटर्न कर दो। इतने बुरी तरीके से ईकॉम एक्सप्रेस की गंदी सर्विस का मुझे सामना करना पड़ा। तो फटाफट से हम करते हैं इसको अनबॉक्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको अनबॉक्सिंग करके। तो फटाफट से हम इसको काट लेते हैं, मैंने इधर साइड से भी कट किया, मैं इसे इस साइड से भी कट कर लेता हूँ। ये हो गया दोनों साइड से कट। अब मुझे किधर से करना चाहिए, ऊपर तो इसकी लगी है स्लिप, ठीक है तो अपन इसको ऊपर से कट ना करते हुए इसको नीचे से इस बार कट करते हैं ताकि ये सारा डिटेल जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस बार अपन इसकी उल्टी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो ये डैमेज यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये डैमेज है, तो अभी मैं फटाक से इसको कट करता हूँ, इधर से भी कट कर लेता हूँ, ये किया कट। अब उल्टा इस बार इसकी अनबॉक्सिंग अपन करते हैं, तो ये यहाँ से कट हो रहा है, ये हो गया कट। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। खैर इस बार अपन ने इसकी उल्टी अनबॉक्सिंग कर दी, तो अब अपन इसको कर देते हैं सीधा, सीधा इसको रखते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको उठा लेते हैं। तो देखो काफ़ी कुछ मुझे इसके अंदर मिला, बॉक्स तो काफ़ी अच्छा पैकिंग करके Xiaomi ने दिया। इसमें मुझे दिवाली विथ मी ये कूपन मिले हुए हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये भी एक दिवाली विथ मी का है जिसमें लाइफ टाइम फ्री स्मार्टफोन का वाउचर दिया हुआ है, देख रहे हैं अभी आप। मुझे दो दो इसमें वाउचर दिए, मुझे नहीं पता ये दो दो क्यों दिए गए हैं, शायद डालने वाले ने मुझे डबल दे दिए हैं। तो अभी मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे दिवाली विथ मी को, और ये इसका बिल है दोस्तों, देख सकते हैं आप 599 रुपीज़ का है, और ये है इसका वॉल माउंट। तो खोलते हैं इसके वॉल माउंट को, इधर से ये पैकिंग ओपन होती है इसके वॉल माउंट की। तो मैंने इसको किया अनबॉक्स, काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ Xiaomi ने दिया है, खैर डिलीवरी बॉय ने अपनी तरफ से कर दिया इसका तो वो एक अलग बात है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आप ओपन करते हो तो इसका भी यूज़र मैनुअल मिलता है, ये इतने टीवीओं को सपोर्ट करता है जितना अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसके साथ ही मुझे मिला है। और गजब की क्वालिटी के साथ दोस्तों मुझे ये Xiaomi का वॉल माउंट मिलता है, ये कुछ इस प्रकार का वॉल माउंट है। इसको मैं कैसे रख सकता हूँ, ओहो तो इसको ऐसे टीवी पे लगाया जाता है पीछे, और ये लग जाता है एक्चुअली टीवी की, ये आपकी लग जाता है वॉल पे, और ये लग जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये जस्ट आप ऐसे लगवा सकते हो जिससे टीवी दाएं बाएं आसानी से हो जाए, आप चाहो इसे ऐसे भी लगा सकते हो पर ऐसे तो कोई नहीं लगाएगा, इसे इस तरह से लगाया जाता है जिससे टीवी जो है वो दाएं बाएं की जा सकती है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा वॉल माउंट है, इसको आई थिंक ऐसे लगाया जाता होगा तभी टीवी को दाएं बाएं हम स्वेप या मूव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है ये, 599 है, ठीक है इसकी क्वालिटी को देख के इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, मे बी
ठीक है 599 का। तो अब जब इसका वाल माउंट में इंस्टॉलेशन कराऊंगा तब आपको ज़रूर इसको वीडियो बना के दूंगा। अब दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो स्वैपेबल वाल माउंट मैंने लिया है जो कि ये Xiaomi का है, ये क्यों लेना चाहिए। खैर यहाँ पे Xiaomi के 43 इंच है, उससे बड़े टीवी के लिए 1199 रुपये का वाल माउंट आता है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई इंसान लेना नहीं चाहता, पर 32 इंच के लिए 599 काफ़ी अच्छा है और आप सभी को लेना भी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से ये देखिए डैमेज भी हुआ है, ये देख रहे हैं आप, शायद ये रखने करने में कुछ गड़बड़ या मिस्टेक हुआ है। तो मे भी जो भी है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। कैसा लगा आपको ये वाल माउंट मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लेकर कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।